स्वागत है आपका आईपीएल 2020 से जुड़ी एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आईपीएल 2020 को लेकर लगातार अभी से ही कई सारी अपडेट्स जो है वो आने लगी हैं, कई सारी खबरें जो है वो मिलने लगी है, जहां पर आईपीएल 2020 की पूरी प्रिपरेशन अभी से ही जो है वो हो चुकी है शुरू। और दोस्तों आईपीएल 2020 में हमें दो बड़े बदलाव जो है वो देखने को मिलने वाले हैं, जो कि सभी आईपीएल से बिल्कुल चेंज होने वाला है। उन दो बदलावों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि आईपीएल 2020 में हमें देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ही बड़े ये बदलाव है, मेजर ये चेंजेस है, जिनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी आईपीएल के फैन कर रहे हैं, आईपीएल 2020 का इंतजार, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों यहां पर सबसे पहला जो चेंज है, सबसे पहला जो बदलाव है वो होने वाला है शेड्यूल में, जहां पर अभी तक हम 1.5 महीनों का आईपीएल देखते हुए आए हैं, अब यहां पर हमें 2 महीने तक आईपीएल जो है चलता हुआ दिखाई देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई अपनी पूरी तैयारी में जो है वो लग चुकी है नए शेड्यूल की, जिसके मुताबिक 2 महीनों तक जो है आईपीएल हमें चलता हुआ दिखाई देगा। दिन के जो मैचेस है, 4 बजे के जो मैचेस है, उनको पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा या फिर ना के बराबर किया जाएगा, और सारे मैचेस जो है नाइट के होने वाले हैं। इससे दोस्तों बीसीसीआई को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। और यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा चेंज आईपीएल में जो है वो होने वाला है, जहां पर 2 महीनों तक आईपीएल हमें चलता हुआ दिखाई देगा। तो ये काफी बड़ा चेंज होने वाला है, और ये काफी बढ़िया चेंज भी जो है वो कई सारे फैंस के लिए होने वाला है। बात करें दोस्तों दूसरे बड़े बदलाव की, तो दूसरा बड़ा बदलाव जो है वो होने वाला है टाइमिंग में, जहां पर दोस्तों खबर ये निकल कर आई है कि 8 बजे नहीं बल्कि सारे मैचेस जो है वो 7 बजे से शुरू होने वाले हैं। जी दोस्तों, अगर मैच सिर्फ एक होंगे दिन में, शनिवार संडे को भी एक ही मैच होंगे, तो ऐसे में बहुत ही सिंपल है कि सभी फ्रेंचाइज जो है वो आराम से मान जाएगी 7 बजे के मैच के लिए। और इससे और भी डबल फायदा जो है वो होगा बीसीसीआई को, उनका रिवेन्यू जो है वो और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो 7 बजे से मैच हमें शुरू होते हुए दिखाई देने वाले हैं, और यहां पर 2 महीनों तक आईपीएल जो है वो चलता हुआ दिखाई देने वाला है। तो व्यूवर्स के लिए दोस्तों ये काफी अच्छा होने वाला है, साथ ही साथ आईपीएल के लिए भी ये काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि अगर 8 बजे से मैच शुरू होते थे तो काफी लंबा जो है वो नाइट तक मैच चला जाता था। ऐसे में अगर कोई मैच सुपर ओवर तक जाता था तो ज्यादातर जो लोग थे वो पूरा मैच नहीं देख पाते थे, लेकिन अगर मैच 7 बजे शुरू होगा तो काफी सारे लोग जो है वो पूरा मैच देख पाएंगे। अब दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, क्या मैच 8 बजे से शुरू होने चाहिए या फिर 7 बजे से, आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दे। दोस्तों ये दो बड़े बदलाव की प्लानिंग जो है वो बीसीसीआई कर रही है आईपीएल 2020 में। अब देखते हैं यहाँ पर कब तक ये जो है अनाउंस होते हैं। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।